लामता क्षेत्र के वासियों की मांग के अनुरूप शासन प्रशासन के द्वारा लामता तहसील में महाविद्यालय का निर्माण कराकर कॉलेज तो शुरू कर दिया गया, लेकिन अभी तक इस कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। जहां कई बार किए गए आवेदन निवेदन और लाख जतन के बावजूद भी मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर बुधवार को विद्यार्थी आक्रोशित हो गए और उन्होंने पेयजल, साफ सफाई, सड़क सहित विभिन्न मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने न सिर्फ प्रदर्शन के माध्यम से अपनी इस मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई, बल्कि कॉलेज से एक रैली निकालकर लामता तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं ने बताया कि कॉलेज भवन तो बना दिया गया, पर आज तक महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं से यहाँ पर वंचित ही है। 11 सूत्री मांगों में यहाँ मुख्य सड़क, पेयजल, कॉलेज में स्वच्छता, कॉलेज में आवंटित भूमि में अतिक्रमण, छात्रवृत्ति, प्राचार्य के द्वारा विद्यार्थियों से जातिगत भेदभाव करना व अन्य मांगों को लेकर उन्होंने बालाघाट कलेक्टर के नाम यह ज्ञापन तहसीलदार लामता को सौंपा गया है। बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारी सबसे मुख्य समस्या है सड़क की, जिसमें हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनके आने के लिए, आगमन के लिए कोई अच्छी सड़क का मतलब अच्छी सड़क नहीं है, उनको आने में बहुत सी समस्याएं आती है। और हमारी दूसरी समस्या है बच्चों के बस के किराए की, जो कि बहुत यानी हमारे आसपास जो बच्चे आते हैं बहुत मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, जिनको बस का किराया अफोर्ड नहीं कर पाते जो, तो उनका किराया कम से कम हो और उनको आने में सुविधाएँ उपलब्ध हो। और हमारी दूसरी समस्या ये है कि हमारी छात्रवृत्ति समय समय पर नहीं आती है, और हमें इसके लिए बहुत से आवेदन भी दिए हैं कॉलेजों में, और कलेक्टर महोदय को भी एक बार ज्ञापन दिया गया इसका, तो उसमें भी अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। और सबसे मुख्य समस्या हमारी ये है कि हमारे तिरंगे का अपमान किया गया अभी कुछ दिन पहले महाविद्यालय लामता में, जो कि 12 फुट में फहरता है तिरंगा, जो कि 5 या 6 फीट में फहरा है, और जिसमें तिरंगे का अपमान, जैसे तिरंगे के लिए हमारे सैनिक है वो कितने जंग लड़ते हैं कि हमारा तिरंगा सुरक्षित रहे उसके लिए। और विषय ये था कि बच्चों को डेली अप डाउन करने में समस्या जा रही, क्योंकि बस का किराया काफ़ी ज़्यादा है, उन्हें वो निम्न परिवार से वो इतना किराया नहीं दे सकते, इसलिए वो महीने में एक बार आना जाना हो सकता है उनका, इसलिए हमें बस की किराए के लिए कम करने के लिए रैली निकाली गई। और हमारे इसमें कॉलेज 2 साल से खुला है, 2 साल से अभी तक कॉलेज में साफ सफाई नहीं हुई है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं, कोई सफाई कर्मचारी कोई नहीं है। और आप लोगों की एक मांग थी कि आप आवाज़ अभी हल्ला करते हुए आ रहे थे कि हमारी मांगे पूरी करो, रोड के लिए हो गया। हाँ सर, ये हमारी रोड भी बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ से गाड़ी वाड़ी पैदल कुछ नहीं जा सक रही है, और हमारी जो स्कॉलरशिप है ये भी नहीं आ पा रही। आज हमारे द्वारा स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय लामता में चल रहे अव्यवस्थाओं को लेकर के 11 बिंदुओं पे हम लोग माननीय तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ रैली करके 11 बिंदुओं में मुख्य बिंदु अपन ये माने कि कॉलेज में स्वच्छता की बहुत ज़्यादा समस्या है। दूसरा विषय यह है कि कॉलेज जाने के लिए लामता से रोड की बड़ी समस्या है, कीचड़ों में बच्चों को जाना पड़ता है। तीसरी समस्या ये है कि हमारी बच्चियों को बस से जो आती है 30-30, 25-25 किलोमीटर के दूरी से आती, तो उन्हें पर डे 50 रुपये के आसपास का किराया देना पड़ता है, चूँकि वो मध्यम वर्गीय बच्चियाँ हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, 50 रुपये अफोर्ड करना बड़ा विषय होता है। तो हम उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के नाम। ज्ञापन में लेख है कि पहुंच मार्ग का निर्माण होना चाहिए कॉलेज तक, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, टाइम टेबल का नियमितीकरण हो, विद्युत की समस्या के निदान हेतु जनरेटर की व्यवस्था हो, इनके पेंडिंग स्कॉलरशिप का भुगतान हो, शिक्षक स्टाफ की पूर्ति की जाए,
कॉलेज परिसर में कोई अतिक्रमण बताया गया है उसको हटाने का है। अतिक्रमण के लिए हमारे स्तर से राजस्व निरीक्षक को सीमांकन का आदेश दिया गया है, वो आज सीमांकन करके अतिक्रमण चिन्हित करेंगे और चिन्हित करने उपरांत तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि प्राचार्य डॉक्टर सुनीता वैद्य के द्वारा छात्रों से जाति असमानता से संबंधित अभद्र व्यवहार किया जाता है। और एक दसवां पॉइंट इन्होंने लिखा है कि शराब की बोतलें और डिस्पोजल प्री प्लांड रखी जाती हैं और कॉलेज में इस संबंध में अस्वच्छता रहती है। आगे अगली लाइन में इन्होंने लिखा है कि राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया है स्वतंत्रता दिवस पर डॉक्टर सुनीता वैद्य के द्वारा। छात्रों की उपरोक्त मांगों का ज्ञापन मुझे एक प्रति में मिला है, मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय को आज ही ये ज्ञापन भेज दूँगा।